समंदर के किनारे एक दरख्त था जिस पे चिड़िया का घोंसला था। एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगती तो इसके पर गीले हो जाते और वो लड़खड़ा जाती। इसने समंदर से कहा, मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। मगर समंदर ना माना। चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी और तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर को अपने ऊपर गरूर था, बोला, ऐ चिड़िया, मैं चाहूं तो सारी दुनिया को गर्क कर दूं, तो तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। चिड़िया ने ये सुना तो बोली, चल फिर खुश होने को तैयार हो जा। इसी के साथ इसने समंदर से पानी का एक घूंट पिया। 7 से 8 बार इसने यही अमल दोहराया तो समंदर बोला, पागल हो गई है क्या? क्यों मुझे खत्म करने लगी है? चिड़िया के इस अमल से समंदर परेशान हो गया। इसने चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। पास ही एक दरख्त जो काफी देर से ये सब देख रहा था समंदर से बोला, ऐ ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को गर्व कर सकता है, इस कमजोर सी चिड़िया से डर गया? ये बात समझ नहीं आई। समंदर बोला, तू क्या समझा मैं जो दुनिया को एक पल में तबाह कर सकता हूँ इस छोटी सी चिड़िया से डर जाऊंगा? नहीं, असल में मैं एक माँ से डरा हूँ। माँ के सामने तो अर्श टूट जाता है, तो मेरी क्या मिजाज जिस तरह वो मुझे पी रही थी, मुझे लगा वो मुझे रेगिस्तान ही ना बना दे।